जलेबी रोज नहीं खा सकते, पकोड़ा रोज नहीं खा सकते, खीर भी रोज नहीं पी सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक चीज है रोटी, जो हम रोज खा सकते हैं। इसलिए 56 भोग में से सबसे पहले रोटी को चुनने का प्रयास करें। ये पकोड़ा, ये भजिया, ये मरती, ये जलेबी, ये कचौड़ी, ये समोसा थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, उसके बाद में अच्छे नहीं लगते। पर जो रोटी है वो रोटी थोड़ी देर के लिए अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं है। वो रोटी जब भूख लगती है तो भजिया, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी, इमरती, भजिया, ये भूख जरूर मिटा देंगे, पर तृप्ति नहीं दे पाएंगे। तृप्ति देने का काम केवल रोटी ही कर सकती है। उसी तरह संसार में जन्म लेने के बाद में बहुत लोग मिलेंगे, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हम तुमसे यज्ञ करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे अनुष्ठान करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे ये करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे वो करा देंगे, पर तृप्ति नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है तृप्ति का मूल केंद्र बिंदु है भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो हमको तृप्ति प्रदान करता है, सारी समस्या का हल बोलबम का नारा है, ये हमें तृप्ति प्रदान कर देगा। कितना भी दुख है जिंदगी में, कितनी भी तकलीफ है जिंदगी में, आप उस परमात्मा को रिझाने में क्यों देरी करते। उम्मीने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छटी ना में घटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छटी ना में घटी जावागी। हमको कौन तृप्ति दे सकता है, हमको तृप्त कौन कर सकता है, हमारी दुख की घड़ी में कौन खड़ा हो सकता है, हमारी तकलीफ की घड़ी में कौन हमारा साथ दे सकता है। मेरी जीजियों, जब व्यक्ति की दुख घड़ी आती है ना, सब साथ छोड़ देते हैं। जब उसको हॉस्पिटल में पटका जाता है तब परिवार वाले भी बाहर रह जाते हैं, वो अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, वो अकेला आईसीयू में पड़ा रहता है, अकेला पड़ा है, वेंटिलेटर पर भी अकेला पड़ा है, आईसीयू में भी अकेला पड़ा है, वो अकेला पड़ा, कोई दूसरा उसका साथ देने वाला नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार वाले भले बाहर रह जाएं, कुटुंब वाले भले बाहर रह जाएं, रिश्तेदार भले बाहर रह जाएं, पर उसने अपने हाथों से जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है वो उसके साथ वेंटिलेटर पर भी साथ निभा देता है। वो एक लोटा जल उसका आईसीयू में भी काम आ जाता है, वो एक लोटा जल उसकी दुख की घड़ी में उसका साथ दे जाता है, वो एक लोटा जल उसकी हर घड़ी में उसका साथ निभा जाता है। भूलवश अनायास हमने उस परमात्मा को याद किया है ना, तो वो परमात्मा हमारी घड़ी में साथ देने के लिए आया। आप भूलवश भी उसको याद कर लीजिए। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ। भोलेनाथ जी का एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ, 19 जून 2023 को मुझे गठान हो गई। जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमको गठान की जाँच कर बताया कि कैंसर है, उन्होंने जांच करके बताया कि कैंसर है। और तभी हमने धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगा तो हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी हमको कैंसर बताया। अब करें तो करें क्या, डॉक्टरों ने कहा ये कैंसर ज्यादा फैल रहा है इसलिए इसकी सर्जरी कराना जरूरी है। तो हमने, मेरा ब्रेस्ट का कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण मैंने सर्जरी करा ली। सर्जरी कराकर मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर ने बोला कि इनको 8 कीमो चलेंगे, हमारे कीमो चालू हो गए। और कीमो चालू होने के बाद में मालूम पड़ा कि फिर मेरी हालत खराब हो गई और मुझे फिर कैंसर हो गया। अब गुरुदेव, डबल से कैंसर हो गया, फिर मुझे आईसीयू में पटका गया, फिर सर्जरी की बात हुई। अब करें तो करें क्या, डॉक्टर ने कहा इनका शरीर ऐसा नहीं बचा कि इनकी कैंसर की सर्जरी हो सके और हालत बहुत ज्यादा खराब है, कुछ दिन की ये मेहमान। डॉक्टर के हिसाब से अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता और कैंसर पूरे शरीर में फैल गया, अब कुछ साधन नहीं बचा,
तब मेरे परिवार वाले मुझे घर पर ले आए और मैंने टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी और टीवी पर कथा सुनकर एक लोटा जल तांबे का भरकर मंदिर पहुंचाने लगी और वहां से मेरी बेटी उस जल को लाकर मुझे देने लगी। उसी बीच में हमने विचार करा कि अब करें क्या करें, तभी सूचना मिली कि आपकी कथा कोसी कला में हो रही है। हम लोग ये परिचित कोई कोसी में कथा सुनने के लिए गए और कोसी में कथा सुनने के लिए गए, हमको लगा था कि आप जहां कथा करते हो वहां रुद्राक्ष देते हो, पर आप जहां कथा करते हैं वहां रुद्राक्ष नहीं मिलता। हम कोसी में कथा सुनने के लिए गए, शरीर में इतना ज्यादा रोग था, कैंसर की बीमारी थी। हम जहां बैठे थे हमने 3 बार पत्र लिखा पर आपका पत्र पढ़ा नहीं गया। जब पत्र नहीं पढ़ा गया तब बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति हमको देखकर रोने लगा कि आपको इससे क्या तकलीफ है जो आप इतनी देर तक कहां करें। हमने उसको कहा हमें कैंसर है, एक ऑपरेशन करा चुके हैं, दूसरे ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर दिया और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उसके गले में सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ था, उसने अपने गले का रुद्राक्ष निकाला और मेरे हाथ में रखकर कहा यह सीहोर का रुद्राक्ष है, इसको तुम लेकर चले जाओ। अपने गले का रुद्राक्ष निकालकर उसने मेरे हाथ में रख दिया। मैं उस रुद्राक्ष को कोसी कथा में से लेकर घर आ गई, तांबे के कलश में गलाती शिवजी को पानी चढ़ाती, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी तबीयत, जब डॉक्टर ने दूसरी बार मुझे कैंसर बोल दिया था और मरने की तारीख निश्चित कर दी थी, आज मेरे बाबा की कृपा से जब मैंने दूसरी बार दिल्ली में जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। अनिता भाटी शाहजापुर फरीदाबाद से है, मेरा मोबाइल नंबर ये शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू आयो शरण बिहार शंभु तार तार तू। एक विश्वास, एक भरोसा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि होली का पर्व भगवान कृष्ण और राधा जी से चालू हुआ। ये दुनिया के लोग कहते हैं होली का पर्व राम जी और सीता जी से प्रारंभ हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी ना वो कह सकता है कि होली का पर्व राधा और कृष्ण से चालू हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी वो कह सकता है कि होली का पर्व सीता और राम जी से चालू हुआ। परंतु यदि जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है और काशी खंड को पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है कि सबसे पहले रंग और गुलाल की होली मेरे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ में देवताओं के हित के लिए, देवहित के लिए। भगवान शिव और पार्वती ने, भगवान शंकर और पार्वती जी ने देवताओं के हित के लिए खेली। हम क्यों कहते थे आपको कि देखो महादेव की होली जरूर मनाया करो, हमने बोला था आपको? नहीं बोला था, बोला है ना। एक लोटा जल लो, रोज आप जल चढ़ाते हो, पर जिस दिन महादेव की होली है जैसे 26 तारीख को महादेव की होली है तो एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा अष्टगंध या चंदन या आप कुछ भी चंदन अष्टगंध मिलाकर केसर मिलाकर और उसका रंग थोड़ा सा बदलकर महादेव को चढ़ाओ। उस जल को लेकर आकर अपने दरवाजे पर उसका छींटा दो, उसका कलर जाना नहीं चाहिए तो तुम्हारी जिंदगी का भी कलर भगवान बदल कर ही रहे। जो लोग सीहोर होली खेलने आते हैं महादेव की होली, हम लोग सीहोर में चमत्कालेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से वहां से चलते हैं, 5 मंदिर पर हम दरवाजे पर छींटा देते हैं, 5 मंदिर सीहोर के। जो लोग सीहोर आएंगे 26 तारीख को सुबह 10 बजे आप नदी चौराहे पर जहां से महादेव की होली खेलेंगे 10 बजे से चालू होती है, 12:30-1 बजे वो विराम दे दिए जाते हैं। वहां पर पुरुष स्त्री बेटा बेटी सब उस होली में रहते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, महादेव की होली जरूर मनाओ। एक लोटा जल लो, उसमें चंदन घोल लो या थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल लो या थोड़ा सा अष्टगंध डाल लो या थोड़ा सा उसमें केसर डाल लो और वो डाला हुआ शिवजी को समर्पित कर उसका छींटा अपने द्वार पर, अपने शरीर पर, अपने घर के लोगों पर अवश्य। शिव तत्व की महादेव की होली हमेशा जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं आती। महादेव की होली जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन तो धुरंडी रहती है, होली खेली जाती है उसके अगले दिन, अर्थात होली जलेगी उसका एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन उसको महादेव की होली के रूप में स्मरण किया जाता है। शिव तत्व की प्राप्ति। और इसके बाद में जब यह महादेव की होली हो जाती है तब 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के ऊपर ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने दर्शन किए हैं कि नहीं किए वो हमें नहीं मालूम। जब होली पूर्ण हो जाती है महादेव की तब भगवान शिव जी के ऊपर चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे मल्लिकार्जुन हो, चाहे नागेश्वर हो, चाहे जितने ज्योतिर्लिंग है सब पे ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाते हैं जिससे जीव के हृदय को आनंदता का अनुभव हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान शंकर को बनाया।
और जिस दिन तुम जैसे आज आज प्रदोष है और पांच दिन की कथा का आज चौथा दिन है, कल कथा विराम होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, तो आज की जो रात्रि है शिव महापुराण में हम इसको शिवरात्रि कहते हैं, हम इसको शिवरात्रि का वर्णन करते हैं। तो एक तो आप सभी को जितने भी भक्त यहाँ कथा सुनने रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सभी को फागुन की प्रदोष का बहुत बहुत बधाई हो। बाबा देव अदित्य महादेव आपकी झोलियां खुशियों से, इतनी झोली भरकर लेकर जाना आज आप कि मेरा देव अदित्य महादेव इतना आपको दे दे, इतना दे दे कि अगली बार सुनील भैया से आप कहो कि सुनील भैया हमको भी गुरु जी का नंबर दो, हमें भी कथा कराना, इतना बाबा आपको दे दे। अपने दिल से उसको पुकारो। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है महाराज, बहुत सुंदर संवाद आता है शिव महापुराण का, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि शंकर भगवान कार्तिकेय महाराज जब रुष्ट होकर चले गए तो शंकर जी कार्तिकेय को मनाने क्यों गए, वो तो बेटा है, वो तो पुत्र है, और अगर बेटा रूठ कर चले जाता है, बेटा रुष्ट होकर चले जाता है, बेटा नाराज होकर चले जाता है तो शंकर पार्वती को मनाने की जरूरत क्या, शंकर पार्वती क्यों क्यों मना, अगर बेटा रूठ कर गया है, एक पत्र है सरोज देवी नाथूपुर से है, सरोज देवी नाथूपुर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं आप, ऐसा हाथ हिला देगा श्री शिवाय नमस्कार, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, सरोज देवी नाथूपुर से हूं, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता था, उसने कई एग्जाम दिए पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, 2017 में भी उसने एग्जाम दिया, 2016 में भी उसने एग्जाम दिया, 2015 में भी एग्जाम दिया पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं अपने बेटे से कहती थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ा, सियोर वाले महाराज ने बताया है कि एक दुर्वा, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना चाहिए तो बाबा, और अच्छी मेहनत करो तो बाबा नौकरी जरूर देता, कामना पूरी करता। मैंने अपने बेटे से कहा तो बेटा कहता है माँ तेरे कहने पर मैं शंकर जी के मंदिर जा जाके थक गया पर भोलेनाथ मेरी सुनता ही नहीं, इतने सालों से मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं मेरा बाबा मेरी सुनने को तैयार नहीं, 2017 में 2014 में 2015 में इतना मैंने एग्जाम दिया किसी का रिजल्ट नहीं आया और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा गुरुजी कि तू वो सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करना, शंकर भगवान की कथा पर विश्वास करना, तू मंदिर जाना मत छोड़, अब एक काम कर तू मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ करा, 2017 में मेरे बेटे ने एक एग्जाम दी थी जिसका रिजल्ट 2024 में बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ और मेरा बेटा पटवारी के पद पर नियुक्त हुआ। 2017 में जो एग्जाम दिया था मेरे बेटे को दिल्ली में पटवारी की नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया, एक बार हाथ हिला दो भाई, श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको बेटी, शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करी गई सेवा, देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करा गया त्याग, देवादिदेव महादेव के मंदिर की चौखट पर करी गई सेवा, और यीशु महापुराण में आप लोग जो धूप में बैठे हो, छाता पकड़ कर बैठे हो, चादर लगाकर बैठे हो, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई किसी को बिस्कुट खिला रहा है, कोई किसी को टॉफी दे रहा है, कोई किसी को कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, कोई किसी को फ्रूटी दे रहा है, मेरी जीजियों तुम चिंता मत करना, फिर निवेदन करूंगा अपनी छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि हमने रेवाड़ी में प्रदोष के दिन कथा सुनी थी, 1 बजे से 4 बजे तक सुनी थी, और तुम्हारी कथा का फल तुम्हें 3 महीने में मेरा बाबा जरूर दे, ये लिखकर रखी है। वो खाली नहीं छोड़ता, वो खाली छोड़े नहीं, शिव कथा कहते हैं, भगवान ओघरदानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, तुम जिस भाव से समझ, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, 23 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगी टीवी पर, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे आ जाएगी, फिर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में प्रारंभ हो जाएगी, वो भी 1 बजे से 4 बजे तक। हमारे पास कई लोगों ने पत्र भेजा, गुरुजी आपने आरती शिव महापुराण की कथा वाचने का बोला था, किसी ने पत्र भेजा आपने बेलकेश्वर शिव महापुराण कथा वाचने का बोला था, प्रचार बेलकेश्वर का चल रहा था, बीच में आपने बोल दिया था कि आरती शिव पुराण वाचेंगे, तो हमें वो कथा आरती शिव पुराण क्यों नहीं मिल पा रही है, तो हम निवेदन करेंगे कि टीवी पर प्रचार हुआ बेलकेश्वर शिव पुराण का, हमने बोल दिया आरती शिव पुराण, तो वो 2 शिव पुराण मिल रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों का संवाद लिया गया और आगे की कथा में उसको पूर्ण रूप से सुनाया जाए, ऐसा प्रयास किया जिससे सभी को अच्छा फल प्राप्त हो, सभी को अच्छा फल। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन, ओ
शंभु शरण मागो घड़ी रे दुख पारो दया करी दर्शन। शिव कथा कह रहे एक विश्वास को दृढ़ बनाई, एक भरोसे को दृढ़ बनाई, और जब हम हमारे भरोसे को हमारे विश्वास को दृढ़ बना लेते हैं तब भगवान शिव का आगमन होता ही है, तब शिव हमारे सम्मुख में होता ही है। कई लोगों के मन में भ्रम है, भगवान शंकर कार्तिकेय जी को मनाने चले गए, बेटा था उनका, पुत्र था उनका, उसको मनाने की क्या जरूरत थी, बाप क्या बेटे को मनाता फिरेगा, बाप क्या बेटे को मनाने जाएगा, बाप क्या बेटे का सम्मान करने जाएगा, बाप क्या बेटे का आदर करने जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने करा था, उत्तर दो जरा, बोलो रेवाड़ी वाले, बोलो हरियाणा के जी जाओ, और मेरी हरियाणा की जी जी हो जरा बताओ जरा, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने किया था। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने किया था। आप जरा समझिए, गणेश जी कौन है, शंकर भगवान के पुत्र, पार्वती जी के पुत्र। सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा, सबसे पहले सदानंद कार्तिकेय का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा। तो लोगों के मन में ये बात बिठा लेना चाहिए, लोगों की चित्त वृत्ति में ये बात बिठा लेना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे को महान बनाने का काम हमारा है। अगर हम अपने घर के बच्चे को मूर्ख मूर्ख पगला पगला कहते रहेंगे, 24 घंटे कोसते रहेंगे, तो दुनिया के लोग भी हमारे घर के बच्चे को मूर्ख ही समझेंगे। हम अपने घर के बच्चों को दिन भर कोसते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर गाली देते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर पागल कहते रहेंगे, इसमें दखल नहीं है, ये तो मूर्ख है, इसमें दखल नहीं है, ये बच्चा तो ऐसा है, इसमें दखल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है। हम 24 घंटे अगर अपने घर के बच्चे को मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, तो दुनिया के लोग भी, उसके दोस्त भी उसको पागल समझने लगेंगे, उसको मूर्ख समझने लगेंगे। जब हम अपने घर के बच्चे का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उसको अच्छा कहना प्रारंभ करेंगे, तो दूसरे की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बच्चे को कोई मूर्ख कह दे, वो भी आदर करना प्रारंभ। पहले आदर आपको करना है, पहले सम्मान आपको करना है। जब आप अपने बच्चे का आदर करना सीख जाएंगे, जब आप अपने बच्चे का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो दुनिया भी आपके बच्चे का सम्मान करेगी, दुनिया भी आपके बच्चे का आदर करेगी। और यदि आप अपने बच्चे का आदर नहीं करते, तो दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं कर सकती, दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं करेगी। एक पत्र है, मेरा नाम बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, गांव सिंहा रेवाड़ी। ये सिंहा गांव यही है क्या, जम के तो बोलो, यही पर है। बबीता जी कहीं बैठी हैं क्या, हाथ उठा, हाँ ऐसा ऐसा, बच्चा लाया साथ में। मेरा नाम बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा, कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकती हैं। नाम है बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा से हम आए हैं। गुरुदेव, शादी को 12 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। सबसे बड़े दुख की बात एक है गुरुजी, संतान जब मुझे नहीं हो रही थी, तो दुनिया के लोग स्त्री को ही सारे आक्षेप क्यों लगाते। गुरुदेव, अगर मुझे औलाद नहीं हो रही है, तो लोग मुझसे क्यों कहते हैं कि तुझे औलाद नहीं हो रही, तुझे संतान नहीं हो रही, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तेरी औलाद नहीं हो रही, तेरे गर्भ से बच्चा नहीं हो रहा। सारे इल्जाम एक स्त्री को क्यों लगता है, सारे इल्जाम एक नारी को क्यों लगता है, सारे इल्जाम एक स्त्री को, एक कन्या को, एक नारी को क्यों लगता है। अब संतान नहीं हो रही तो उसमें मेरी क्या परेशानी, मैं क्या कहूं उनको। गुरुदेव, सब लोगों ने बुराई का ठीकरा मेरे माथे मर दिया, मैंने 5 साल बच्चे के लिए इंतजार करा, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल तक इंतजार करा, पर औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, तो मैं क्या करूं। तब मेरे पड़ोस की एक काकी के कहने पर मैंने भगवान शंकर के मंदिर में पूजन करना प्रारंभ करी और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। टीवी के सामने बैठकर पहली बार कथा सुनी, गुरुदेव आसन लगाकर। आप कहते हो हाथ में चावल लेकर टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनकर, चावल ऊपर छत्ते ढालना है चिड़ियाओं के लिए, हमने वैसा की वैसे नियम किया, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, वो मैंने करना प्रारंभ करा, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर कह दिया, बाबा क्या सारा दोष स्त्री का, क्या सारा दोष नारी का। बाबा, मैंने शिवपुराण की कथा सुनी है, तो मेरी लाज रखना और मेरा गर्व जरूर ठहराना। बाबा, दुनिया का मुंह बंद करना और मुझे संतान जरूर देना। 13 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मैं बाबा को नमन करने के लिए।
13 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने संतान दी है गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंह। कहीं बैठी हूँ, कहा जिला सर, अपने पुत्र को लेकर आई हूँ गुरुदेव यहाँ पंडाल को प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हूँ उठा लो। एक भक्ति को जागृत कर, अपने बच्चे का स्वयं सम्मान करना चाहिए। लोग कहते हैं आप अपने भगवान शंकर, भगवान माता पार्वती जी कार्तिकी का पूजन कर रहे हैं, भगवान शंकर माता पार्वती जी गणेश जी का पूजन कर रही है। अपने बच्चे का आदर करना हमारे हाथ में, अपने बच्चे का सम्मान करना अपने हाथ में है। आप अपनी औलाद का सम्मान करोगे तो दुनिया के लोग आपकी औलाद का सम्मान करेंगे, वरना कोई आपकी औलाद का सम्मान करने वाला नहीं। आपको आदर करना पड़ेगा, आपको सम्मान करना पड़ेगा। प्रतिदिन जाओ शिव के मंदिर तक, मेरे देवाली दे महादेव की चौखट तक प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। प्रतिदिन जाइए रोज। जो ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जो मनासा में कथा है, नीमच जिले में मनासा में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा आएगी, उस कथा को जरूर सुनना। उस कथा का नाम हमने बेलपत्र शिवपुराण दिया। कौन सी शिवपुराण? बेलपत्र। मेरी माताओं से निवेदन करूंगा उसमें हम आरती का भी वर्णन थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे, पर बेलपत्र के वृक्ष का मतलब समझाएंगे कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम कौन कौन सा अनुष्ठान कर सकते। सारी दुनिया में ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो 1 ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है, पर केवल एक बेलपत्र का वृक्ष ऐसा होता है जिसके नीचे ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है। सवा किलो के सोने के सिंहासन पर, सवा किलो के शालिग्राम जी को रखकर, सवा किलो के हीरे से जड़कर ब्राह्मण को दान करने का जो फल मिलता है वो 1 बेलपत्र का पत्ता शिव जी के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। वो फल 1 बेलपत्र का पत्ता। वो मनासा की जो कथा है, मध्य प्रदेश में हमारी ज्यादा कथा है नहीं, कि मनासा में केवल मध्य प्रदेश के अंदर एक ही कथा है मनासा, उसको सुनना आप टीवी के माध्यम से उसको 1 बजे से 4 बजे तक। जो मनासा के आसपास के हैं वो आए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल सुन लो। 1 बेलपत्री के फल का क्या महत्व है? जिस नारी को 40 साल तक भी औलाद नहीं हुई है ना, 40 वर्ष तक भी जिसको औलाद नहीं हुई और वो कहे उसका अगर रजोधर्म आ रहा है, रजस्वला यदि वो हो रही है और 40 वर्ष तक भी उसको औलाद नहीं हुई, तो हम निवेदन करेंगे इस कथा को जरूर सुनना और उसमें एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर पात्र का एक प्रयोग बताया जाएगा, उसको जरूर करना। 40 वर्ष के बाद भी बाबा संतान देगा, तेरा हम उसके भरोसे पर चल। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। ये भरोसा ही तो है। इतना बड़ा पंडाल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके पास में टेंट लगाया गया 7 और उसके पास में टेंट लगाया गया 8। ये 8 तो डूम बनाए गए हैं, उसके अलावा बाहर ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं। ये विश्वास नहीं तोड़ के आया, ये भरोसा नहीं तोड़ के आया। और कोई आपको निमंत्रण देने नहीं आया। सुनील जी ने कोई पत्रिका नहीं छपाई, सुनील जी ने एक जगह जाकर कोई निमंत्रण नहीं दिया, सुनील जी ने कोई पास नहीं बनवाया, सुनील जी ने कोई आपको वीआईपी पास नहीं दिया। सब कुछ यहाँ सम्मुख में, सब कुछ सम्मुख में, ये खुला हुआ ग्राउंड, ये इतने सारे डूम, इतने सारे पंडाल और इतनी व्यवस्था, ये सब हमने सुनील जी से पूछा आप कर रहे हो? सुनील जी बोलते हैं हमने नहीं करा, ये तो महादेव ने करुणा कर करवा दिया गुरुदेव। और एक विश्वास के साथ जिसने कथा सुनी, एक पत्र
शंभु शर तो मेरा नाम बालेशा भट्ट, गांव डबकोली कला, डबकोली कला जिला धरना धरनाल हरियाणा। क्या लिखा है आप लोग समझ गए क्या? हाँ ठीक है, कहीं बैठी है। मेरा नाम बालेशा भट्ट, कहीं बैठी हो तो हाथ ला सकती हूँ। अब इसमें गांव का नाम क्या लिखा है आप लोग टीवी पे कुछ पढ़ लो, हमको समझ ध्यान नहीं आ रहा, देख लो जरा एक बार। डब, हाँ दिख गए दिख गए, टीवी पे नजर आ गया, दोनों हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, हाँ सबसे आखिर में ठीक है। मेरा नाम बालेशा भट्ट है, अब डोकोली जला करनाल हरियाणा। ठीक है, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी पूजा, मेरी बेटी पूजा पुत्र वधु जिसकी छाती में ब्रेस्ट में गठान हो गया, उसके ब्रेस्ट में जब गठान हुई तो अस्पताल में दिखाया चंडीगढ़ के, फिर पंचकूला के करनाल वहां पर दिखाया। डॉक्टर ने उसको शीघ्र ऑपरेशन के लिए कहा क्योंकि वो गठान साधारण नहीं है। अब ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे, बहू की इतनी उम्र नहीं, अब उसको इतनी छोटी अवस्था में ऑपरेशन करा देना और ब्रेस्ट के अंदर गठान छाती के अंदर करें। तब मेरे मोहल्ले की एक माता को, वो रोज टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, तो उसने मेरी बहू से कहा कि तू टीवी के सामने बैठकर कथा सुन। बहू उनसे कहती है दादी जी टीवी के सामने बैठकर कथा सुनने से क्या बीमारी मिट जाती है? दादी जी कहती है तो सुन तो सही, नहीं मिटेगी तब पंडाल में बैठ के कथा सुनेंगे। तो सुन, मेरी बहू ने पुत्र वधु ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने कहा था जो बीमार व्यक्ति होता है वो टीवी के सामने भी जब कथा सुनता है तो कटोरी में जल लेकर बैठता है और कथा पूर्ण होने पर उस जल को पी लेता है। मेरी पुत्र वधु ने वही करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बहू टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती रही और 15 दिन के बाद उसको ऑपरेशन होना था, उसकी जांच फिर होना थी। हम उसको वापस लेकर चंडीगढ़ पहुंच गए। जब चंडीगढ़ में उसको वापस लेकर गए और 15 दिन बाद उसके ऑपरेशन की जांच फिर चालू हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि उसकी छाती में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी थी, अल्ट्रासाउंड में गठान नहीं आई और उसका ऑपरेशन चल गया। एक बार हाथ हिला दो भैया जी, बहू आई है क्या साथ में? नहीं आई, हाँ हाथ हिलाओ ऐसा। ठीक है बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। बाबा डॉक्टर भी हमसे पूछता है कि तुमने कौन सी टेबलेट खाई जिसके कारण बस 15 दिन के अंदर गठान गल गई। तब हमने डॉक्टर से कहा केवल बाबा की कथा को सुना है और शंकर के उस जल का पान किया है, ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है, ये शंभु है। एक भरोसा रखना, एक विश्वास, एक दृढ़ वो हमें फल जरूर देगा। और मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी उदार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं छोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं छोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं छोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं छोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। मेरा एक सहारा है मेरे भोले बाबा, मेरा एक सहारा है मेरे भोले बाबा। Thank you.
दीजिए। आज मंदिर में ये भीड़ भारी देखने लगी है, आज मंदिर में ये भीड़ भारी दर्शनों के खाते आए है लाखों नरी और नारी, दर्शनों के खाते आए है लाखों नरी और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जमाने का हम लेके आए जिंदगी से हारे, गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए, तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
विरासता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे, विरासता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे, आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने सुनते हैं तूने लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली सुने तो मेरी पुकार, वो कब से खड़े झोली पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। महादेव जहाँ पर खड़े हो वहीं बैठ जाओ, और भाव से आज प्रदोष का दिन है, दिल से बाबा से प्रार्थना करना, दिल से बाबा से निवेदन करना। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से प्रार्थना करें। अपने रेवाड़ी में बार बार शुक्रान नहीं होती है, आज की करी हुई प्रार्थना तुम्हारी खाली नहीं जाएगी। बड़े भाव से दिल से थोड़ी तेज आवाज में हमारे तक आवाज पहुंचे, ऐसे दिल से बाबा से प्रार्थना करना। दिखावे से प्रार्थना ना करिएगा, दिल से करिएगा। वो किसी को खाली नहीं छोड़ता तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। एक बार अगर मेरे भोलेनाथ ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो फिर वो छोड़ने वाला नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भाई, ओ भोला सब दुख काटो भाई, शिव शंकर जगो तेरी माया, भोले बाबा जगो तेरी माया, भोला सब दुख काटो भाई, ओ भोला सब दुख काटो भाई, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। भगवान देव अद्भुत महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवदेव महादेव की कथा कह रहे हैं। शिव तत्व कह रहे शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी ये सदानंद कार्तिकेय अगर दुष्ट होकर चले भी गए हैं तो इनको मना कर लाने का हमारा काम। बुढ़ापे का एक परम आभूषण है,
बुढ़ापे में आपके पास धन ज्यादा होगा तो आपको लगता है कि दुनिया के लोग आपको पूछेंगे? नहीं। बुढ़ापे में क्या आपके पास में हो कि आपके पड़ोसी भी आपको दो रोटी दे दें, आपके बच्चे भी आपको दो रोटी दे दें, आपके रिश्तेदार भी आपको पूछ लें, आपके कुटुंब वाले भी आपको पूछ लें? बुढ़ापे का परम आभूषण क्या है? बुढ़ापे में क्या आपके पास होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको प्रेम करें, आपके रिश्तेदार आपको स्नेह करें, आपके परिचित आपको दो रोटी दे दे? बुढ़ापे का परम आभूषण बुढ़ापे में क्या होना चाहिए एक व्यक्ति के पास में? तो शिव पुराण कहती है, बुढ़ापे में धन तुम्हारे पास में है उससे मतलब मत रखना, बुढ़ापे में जमीन जायदाद तुम्हारे पास है उससे मतलब मत रखना, बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। जितने चुप रहोगे उतने दुनिया के लोग तुम्हें पूछे। पर महाराज खाया बिना रह जाऊं? देख लो, मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम बोल दिया। बुढ़ापे का परम आभूषण है तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा मौन रहना, एकदम साइलेंट, एकदम चुप। पर जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाता है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात याद रख ले, दुनिया के घर में तो एक लड़के की एक बहू आएगी, पर पार्वती तेरे तो गणेश जी की दो, कार्तिकेय जी की दो। शंकर भगवान के परिवार जैसा कोई परिवार है? कितना बड़ा नाते रिश्ते कुटुंब कबीला, कितने बड़े संबंध है। किसी भी देवी देवता में ऐसा वो नहीं जो मेरे देव देव महादेव में, मेरे भगवान शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंकर भगवान का परिवार, केवल एक भगवान देव अदिति महादेव का परिवार ऐसा है जिसके एक एक बच्चे से लेकर बच्चे तक और उनके शरीर पर जो जो सामग्री रखी है वो तक पूजा जाती है। केवल एक वो शंकर भगवान का परिवार है, उसके सिवा किसी का परिवार। शिव जी के तन पर भस्म है, वो भस्म भी पूजा रहा है। शिव जी के गले में रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष भी पूजा रहा है। शंकर जी के गले में सर्प है, वो सर्प भी पूजा रहा है। शिव जी के बेटे गणेश जी हैं, गणेश जी भी पुजारा। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भी पुजारा। शिव जी की छह लड़कियां हैं, जया, विशारा, सामरीबारी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी, वो भी पुजारा। शंकर भगवान के गणेश जी की धर्म पत्नियां हैं, बोलते जाओ, सिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि, वो भी पुजारा। रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं, जम के बोलो शुभ लाभ, वो भी पुजारा। शुभ लाभ के भी पुत्र हैं आमोद प्रमोद, वो भी पुजारा। गणेश जी की एक बहन है, वो भी पूजा रहा है। तो शुभ लाभ की एक बहन है, वो भी पूजा रहा है। संतोष, संपूर्ण शंकर भगवान के परिवार को देखिए, संपूर्ण शिव जी के परिवार को देखिए, सबकी पूजन हो रही है। सब केवल एक देव देव महादेव का परिवार कैसा है, भगवान शंकर का परिवार केवल कैसा है, जिनकी पूजन सब परिवार के एक एक, एक, एक बच्चे से लेकर बड़े तक की पूजन हो रही है। उसका कारण केवल इतना सा है, शंकर भगवान चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, अपने परिवार के एक एक बच्चे का पूजन स्वयं शंकर और पार्वती ने करा, इसलिए संसार के लोग भी शंकर भगवान के परिवार के बच्चों का पूजन करते हैं। अब हमारी गलती क्या है? सास को 24 घंटे बहू की निंदा से फुर्सत नहीं है, थोड़ा बुरा लगेगा। ए रेवाड़ी की जीजी, ए ताई, बताओ, बस सावधानी से सुनना, हम अपनी बहू की निंदा में, चुगली में, बुराई में, अपनी बेटियों से अपनी बहू की बुराई कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बहू की बुराई कर रहे हैं, इतनी बुराई कर दी कि वो ननंद ने अपने रिश्तेदारों की, अपनी भाभी की बुराई कर दी, मौसी सास ने अपने घर की बहू की बुराई कर दी, क्योंकि हमने अपनी बहू की इतनी गलत छवि बना दी, इतनी गलत छवि बना दी कि हर एक की निगाह में वो बहू गलत हो गई। अब सीखो पार्वती जी से रिद्धि सिद्धि, जो गणेश जी महाराज की धर्म पत्नी थी, जिनको भोजन बनाना भी नहीं आता था, पार्वती जी उनको भोजन बनाना सिखाती हैं। एक बार माता लक्ष्मी उनके घर आ गई और लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मैं पार्वती तुम्हारी नई नवेली बहुओं के हाथ का भोजन कर दूं। कौन बोली? जम के बोलो जरा, लक्ष्मी जी बोलो। अब ये जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये हरकत बात बहुत होती है। अब लक्ष्मी जी बोली कि पार्वती, मैं तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करूंगी। अब पार्वती जी को मालूम कि मेरी रिद्धि सिद्धि विश्वरूप जी की बेटी, थोड़ा सा विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, इनको रोटी बनाना आता नहीं, और इनके पिता के घर में हो सकता है गैस लगा हो, कुकर हो, सब कुछ उनके पिता के घर में, पर पार्वती जी के घर में कौन सा गैस का चूल्हा था?
पार्वती जी क्या तो आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग और परसे माता पार्वती ने पावे बुलाना मन शिव रे छोड़ दो कपट मन शिव मन शिव रे छोड़ दो कपट मन शिव पार्वती जी क्या क्या लक्ष्मी जी ने आते से कहा मेरे को पार्वती जी के घर में आते से लक्ष्मी जी तुरंत बोली आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगा और जैसे ही कहा कि रिद्धि सिद्धि के हाथ का मैं भोजन करूंगी जैसे ही कहा कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करना और रिद्धि सिद्धि के हाथ का जब भोजन ग्रहण करने की बारी आई रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करने की जब बारी सम्मुख में आ गई जैसे ही आई पार्वती जी के मुख पर पार्वती जी के चेहरे पर तुरंत उसी समय पर पार्वती जी एकदम स्तुप्त रह गए एकदम स्तुप्त और पार्वती जी एकदम स्तुप्त है एकदम स्तुप्त देखो आज प्रदोष की कथा है शंकर जी के बहुत सारे गण आए शिव जी के गणों का केवल एक काम था अगर कोई शंकर जी की आराधना करने बैठता था तो शंकर जी के गण आकर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चिल्ला चोट करते थे या ऐसा बोल देते थे कि वो गण शंकर जी की स्तुति करने नहीं देते थे तो तुम्हें तुम्हें सतर्क रहना है पर तुम्हारी आदत ना जाने हरियाणा वालों की कब जाएगी तुरंत और ना जाने तुम्हारे पांव में कौन सी फिरकी लगी है बस कोई चिल्लाया वो तुम्हें व्यास पीठ पे बैठा तो खड़े होकर बता देता बहुत बहुत आज प्रदोष है ना भगवान अगर शंकर भगवान की पूरी कथा सुन लोगे तो फिर शंकर भगवान को ये जितने आयो ना तुम लाखों में आज कम से कम 17 लाख से कम नहीं होंगे इस पूरे ग्राउंड के अंदर 16-17 लाख से कम नहीं हो ग्राउंड के अंदर कहां बाहर तक लोग बैठे हुए हैं कहीं जगह नहीं है कहीं अगर तुम लोग अच्छे से कथा सुन लोगे तो इतने 17 लाख लोग आए हैं भक्त आए सब झोली पसार पसार के मांग रहे हैं 17 लाख को भगवान को देना पड़ेगा इसलिए भगवान बीच बीच में एक गण को खड़ा कर देता है जैसे गण खड़ा हुआ चिल्लाया तुम्हारा ध्यान हटा की कथा गई वो विक्रम बेताल की कथा याद कर लो तू बोला मैं चला तुम्हारा ध्यान हटा और कथा गई कि प्रदोष का फल गया बस केवल हाथ में बिस्कुट का पूरा और पेप्सी अब कथा में तो तुम भी गए फिर कोई कहेगा क्यों तुमने तो कथा सुनी थी रेवाड़ी की तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ फिर कहेगी हाँ कथा में गई तो थी पर इतनी देर में कहीं का गण बैठा था परेशान करता बार बार चिल्ला ध्यान हटा थोड़ा ध्यान रखना सुनो हर महा बोल भगवान नारा है तुम लोगों से जोरदार तो ये धूप में बैठे हुए छाता लगा के चादर कितना भाव से लोग कथा श्रवण कर रहे हैं धन्य आपको प्रणाम जितने लोग धूप में बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम बहुत बहुत प्रणाम नमन आप मेरा भोला भंडारी इतनी झोली भर दे तुम्हारी खुशियों से इतनी भर दे कि रेवाड़ी की भूमि पर जब दूसरी बार आऊंगा तो मेरा बाबा तुम खुद कहो कि मेरे बाबा ने मुझे खूब दिया अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माल काशी वाले ने इतना दे दे तुमको तुम खुशियों में भरपूर आनंद में ये जो एम्बुलेंस में आए हैं कथा सुनने के लिए भगवान से प्रार्थना भोलेनाथ जी से इनका स्वास्थ्य ठीक कर भेजना हमारा कुछ नहीं घटेगा तेरी शान घट जाएगी 5 दिन से एम्बुलेंस में पड़ा हुआ कथा सुन रहा है उसको ठीक करने की जवाबदारी जिसकी किडनी लीवर काम नहीं कर रही उसकी किडनी लीवर तुझे चालू करना है तुझे तेरी जवाब कर एक लड़की आई है वो लड़की की उम्र तो है कम पर उसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया श्रीमती मनीषा वर्मा पत्नी श्री सचिन वर्मा पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है कहीं बैठी हो तो बेटा हाथ हिलाइए बाबू कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए श्रीमती मनीषा वर्मा पत्नी सचिन वर्मा पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ मेरा मोबाइल नंबर ये है हाँ हाथ हिला बैठे कौन सी वाली लेडी पर है अच्छा वहाँ भीड़ बहुत है बेटा आने की तो आपसे अभी नहीं बनेगी पर मैं प्रयास करूंगा आशीष भैया को आपकी बेलपत्र दूंगा आप वो बेलपत्र आशीष भैया से कथा के बाद में ले लेंगे क्योंकि भीड़ बहुत है आप आ नहीं पाओगे इसलिए एक बार वापस हाथ हिलाओ हाँ ऐसे ठीक है श्री शिवाय नमस्कार
मेरा नाम मनीषा वर्मा है, पति का नाम सचिन वर्मा है, मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव 25 मई 2023 को मुझे अचानक दर्द हुआ और ब्रेस्ट में एक गठान आ गई और गठान को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कैंसर दिया। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है, तुम्हारा कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अब एकदम ऑपरेशन कैसे करना, मेरा बीएड का एग्जाम फाइनल एग्जाम था मेरा बीएड का, 10 से 12 दिन मेरे फाइनल एग्जाम को बचे थे और डॉक्टर ने कह दिया मुझे कैंसर है। मेरा पूरा घर टूट गया गुरुदेव, मैं भी रो रो कर बेहाल हो गई। अब मैं करूं तो करूं क्या, और डॉक्टर ने कह दिया 8 दिन के अंदर ऑपरेशन होना जरूरी है, तुम्हारा कैंसर बड़ा फैल रहा है। 12 दिन में मेरा बीएड का फाइनल एग्जाम और मुझे कैंसर, बहुत टूट गई। प्रतिदिन मेरी हालत नीचे गिरती चली जा रही थी क्योंकि डिप्रेशन, चिंता, टेंशन सब कुछ हो गया क्योंकि कैंसर हो गया। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम थोड़े दिन की मेहमान, वापिस एक जांच हुई, जांच में बताया कि केवल 1 महीने तक तुम जीवित हो, 1 महीने के बाद तुम जीवित नहीं। अब करूं तो करूं क्या, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे और ऑपरेशन नहीं भी कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे क्योंकि तुम्हारा शरीर में कैंसर पूरा फैल चुका था। ऐसी स्थिति में मैं क्या करता, तब आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। रोज महादेव के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठ कर पी लेती और एक बेलपत्र वहीं पर खा लेती, पर शरीर में कष्ट बहुत था गुरुदेव, इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि जैसे अंदर कोई शरीर जल रहा। बाबा का जल पी लेती, कुबेरेश्वर महादेव को याद करती सीहोर और कुबेरेश्वर बाबा को याद करती, और मैंने तुरंत अपने पति से कहा कि तुम मुझे बस एक बार सीहोर का रुद्राक्ष ला कर दे दो, फिर मेरा बाबा मुझे बचा लेगा, ऑपरेशन कराने नहीं देगा, आप जाओ सीहोर। सीहोर गए मेरे पति, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास में केवल 1 महीना था, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मैं 25 मई 2023 को मैं बीमार पड़ी, मुझे कैंसर हुआ और आज बाबा की कृपा से पूरे 9 महीने हो गए, मैं मरी नहीं, मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया, मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर को जांच कराई तो मेरा कैंसर ना के बराबर बताया गया। मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए इस पंडाल में बैठी हूँ गुरुदेव, मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, केवल एक बेलपत्री की चाह रखती हूँ, मेरा विश्वास कहता है कि व्यासपीठ की बेलपत्र जिस जिसने खाई है सब सुखी हो गए, तो मैं क्यों दुखी रहूंगी, मुझे केवल एक बेलपत्र दे दीजिए। बाबू अगर आ सकती हो तो मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन, अगर बेटी यहाँ तक आए तो उसको आने दो, एक बेलपत्र उस बेटी को जरूर दो। मैं अब ठीक हूँ, 9 महीने हो गए, डॉक्टर के हिसाब से मैं 1 महीने में मरने वाली थी, पर मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और लुटा दिया भंडार ने कर दिया मार। अगर धीरे धीरे आ सकती हो तो जाओ और बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु वो घड़ी है, अरे कोई भाग खुले होंगे रेवाड़ी वाले तुम्हारे, अरे ओ मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, कोई पुण्य तुमने करा होगा। सुनील जी आज देवता भी आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि आपने रेवाड़ी में यीशु पुराण की कथा करा, कोई पुण्य उदय हुआ होगा तुम्हारा, पुण्य प्रबल हुआ होगा तुम्हारा, जो ये प्रदोष की कथा रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर मिल गई। और कभी मौका मिले, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, कभी मौका मिले और तुम्हारे पास में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर पर भी अगर कथा हो रही हो तो एक बार कथा के पंडाल में रात्रि भर विश्राम कर कर कथा जरूर सुनकर जाना। एक रात्रि विश्राम का फल क्या देता है बाबा, कभी मौका लग जाए तुम्हारे नजदीक में कथा हो तो सुनो, दूसरी बार तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर होगा। दूसरी आज लक्ष्मी जी आई, माता लक्ष्मी ने कहा पार्वती जी से कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे सिद्धि बुद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करना है। सास किसको कहते हैं, सास का कर्तव्य क्या है, सास का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक सास का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो बताया गया माता पार्वती जी के संवाद। एक सास का स्वरूप क्या, वो दिखाया गया। आज हमारे तारा बाबा की कुटिया से गोविंद जी गोपाल जी आए हैं, पांडा परिवार एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा तारा बाबा की कुटिया में कराई, हरियाणा की पवित्र भूमि पर कराई। बहुत दोस्तों ओ रिश्ता तेरा मेरा, सब बोलेंगे जितने बाहर बैठे हैं वो भी, जो अंदर बैठे हैं वो भी। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे रिश्ता, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा राधा, मैं हूँ तेरा राधा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा राधा, मैं हूँ तेरा राधा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा,
तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा रारा मैं हूँ तेरा रारा तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा रारा मैं हूँ तेरा रारा अपने गले से तूने लगाया 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 तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा लाला तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा लाला तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा इस संबंध एक नाता एक रिश्ता आपका और हमारे बाबा से है। मेरी जीजियों एक लोटा जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाना तो ये विचार कर कर जानना कि तुम अपने पिता से तुम अपने बाप से तुम अपने बाबूल से बात करने के लिए जा रही हो अपना दुख कहने के लिए। यही बेटी है जिसको डॉक्टर ने एक महीने का समय दिया था और आज 9 महीने बाद भी बाबा के पंडाल में कहा मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा एक सारा सास का मतलब वो नहीं है कि बहुओं के ऐब गिनाए जाए बहुओं की गलतियां गिनाई जाए अपनी बेटियों से अपने रिश्तेदारों से अपनी बहनों से अपने पड़ोसियों से अपनी बहुओं की निंदा करी जाए वो सास नहीं है। सास वो है जो पार्वती जी ने कर दिखाया। लक्ष्मी जी कहती हैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल अभी बनाती है रिद्धि सिद्धि जैसे ही अंदर गई रसोई घर में उन्होंने अपनी माता पार्वती जी का स्मरण करा। माँ अब मैं करूँ क्या भोजन कैसे बनाऊ। तभी माता पार्वती जी ने अन्नपूर्णा का एक रूप अलग से प्रकट कर लिया और अंदर जाकर भोजन बनाकर पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को सास अन्नपूर्णा भी है सास लक्ष्मी भी है सास पार्वती भी है सास सरस्वती भी है सास इंद्राणी भी है सास दुनिया की शीतला माता भी है सास दुनिया के दुख हरने वाली सावित्री भी है और सास अनसुईया भी है। अपने भीतर की सास को प्रकट करिए कि आप कौन सी सास हो। निंदा करने वाली नहीं चाहिए बहू के ऐब गिनाने वाली नहीं चाहिए बहू को अपशब्द कहने वाली नहीं चाहिए बहू को ताने देने वाली नहीं चाहिए बल्कि वो चाहिए जो बहू में अगर गुण भी नहीं है ना और अवगुण है बहू में वो अवगुण दुनिया को ना बताए वो अवगुण अपने अंदर रखकर अपनी बहू को गुणवान बनाने का प्रयास करे वो सास कहलाती है। वो सास कहलाती है। बेटी आई उसको कह दिया फोन लगा दिया बहन को नातों को रिश्ते को कुटुंब को कबीले को पड़ोसी को अड़ोसी को चाची को चाचा को रिश्तेदारों को जब जो आया मिलने उसको दिन भर निंदा में लगी रही। वो सास नहीं है। सास वो होती है जो अपनी बहू के अवगुण को भी बचाकर रखे और उसके गुण दुनिया में प्रेषित करे तो दुनिया के लोग भी कहें कि बहू है तो उनकी भले कुछ ना करे परंतु लोगों की दृष्टि में अपनी बहू की इज्जत बनाना ये सास के हाथ में होता है। ये सास के हाथ में अपने को चाहिए कि अपनी इज्जत अगर माता पार्वती जी गणेश जी का पूजन नहीं करती तो दुनिया में कोई नहीं था जो गणेश जी का पूजन करता। कौन हाथी के मुंह का पूजन करता। बोले ईमानदारी से किसी का हाथी का मुंह लगा है शरीर पर तुम उसका पूजन करोगे। किसी के 6 मुंह है तुम उसका पूजन करोगे। शरीर पर हाथी का मुख लगा है उसका पूजन करोगे। माता पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने गणेश जी का पूजन करा इसलिए दुनिया गणेश जी का पूजन कर रही है। माता पार्वती जी ने और शंकर जी ने रिद्धि सिद्धि का पूजन किया इसलिए दुनिया रिद्धि सिद्धि का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पोते शुभ लाभ का पूजन किया इसलिए दुनिया शुभ लाभ का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पर पोते अमोद प्रमोद का पूजन किया इसलिए दुनिया अमोद प्रमोद का पूजन करती है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने स्वयं शंकर जी ने पार्वती जी का पूजन किया तो आज दुनिया नवरात्र मनाती है और आज पार्वती जी ने शंकर जी का पूजन किया तो दुनिया शिवरात्रि मनाती है। आप स्वयं अपने परिवार के व्यक्ति का सम्मान करना सीखो आदर करना सीखो दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। सास का फर्ज है बहू का सम्मान करना बहू का फर्ज है सास का सम्मान करना। सास कितनी भी अपशब्द बोलने वाली हो कितना भी ताना देने वाली हो फिर भी बहू के मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू के मुख से एक शब्द भी ना निकले एक शब्द भी तुम्हारी बहू के मुख से ना निकलना चाहिए। कितना भी बोले वो कितना भी अपशब्द कहे वो 24 घंटे अगर सास ताना भी देना गालियां भी दे तो बहू के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। कोई शब्द कोई अपशब्द
और हम मेरे भोले तेरा सहारा ले, मेरी नैया तू किनारा। आपके चेहरे की प्रसन्नता आपको सुंदरता प्रदान करती है। आप में से कितने लोग हैं जिनको सिग्नेचर करना आता है? हाथ उठाओ। जिनको सिग्नेचर करना आते हैं, हस्ताक्षर करना आते हैं, आते हैं सबको रख लो। शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखे हैं आपने? जम के बोलिए जरा जल्दी से। शंकर भगवान सिग्नेचर करते हैं, वो कभी तुमने देखा है सिग्नेचर की? नहीं देखा। अरे बोलो तो जम के बोलो। नहीं देखा। शंकर जी के सिग्नेचर देखना है? देखना है शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखना है? जम के तो बोलो जरा। देखना है? किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखना, किसी भूखे को भोजन कराकर देखना, जिसको विद्या की जरूरत है उसको विद्या दिलाकर देखना, जिसको दवाई की जरूरत है उसको दवाई दिलाकर देखना, उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखेगी वो मेरे भोलेनाथ का सिग्नेचर है। वो मेरे शंकर भगवान का सिग्नेचर है, वो मेरे शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दीजिए, वो शंकर भगवान का सिग्नेचर है। और इस व्यास पीठ ने एक ही काम करा है, दुनिया के लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाए तो शंकर का सिग्नेचर दिखता। ये शंकर भगवान का सिग्नेचर है, शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, आपका दुख कितना भी है धीरे धीरे मेरा बाबा आपका दुख काट देता है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। समझ लेना शंकर भगवान ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, तेरे चेहरे पर स्माइल आ गई, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। समझ लेना शंकर जी ने सिग्नेचर कर दिया, शंकर जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तू शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गया, तू शिव जी की दौलत हो गया। अब तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी भी कोई हल्के फुल्के व्यक्ति की नहीं है। दूसरा हल्का फुल्का व्यक्ति की जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता है, दूसरे की दुकान पर कोई भी कब्जा कर सकता है, पर जो दमदार होता है ना, भगवान विष्णु की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले, भगवान नारायण की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले, पर महादेव की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बता, शंकर जी की प्रॉपर्टी है कहां? शमशान। तुम में से किसी में दम हो तो शमशान में जहां मुर्दा जाता है उसका मकान बना के बता दे, जा, बना बना। तू मकान बना के रे, और रात को महादेव 64 योगनियों के साथ चंडी, और रात को जब एकाध बार भगवान ने अपना नृत्य दिखाया ना, दूसरे दिन तेरे बाल खुले, जिप्या बाहर, जैसे गण चिल्ला रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, बस वैसी तुम्हारी आवाज चिल्ला के, और ऐसी बीच बीच में बैठे बैठे चिल्ला। एक बार शंकर जी की प्रॉपर्टी पे कब्जा तो करो, मालूम पड़ेगा कब्जा करने का बल क्या है। ए भाई, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी उसके दुख काट कर उसके चेहरे पर स्माइल देते हैं। समझ लेना शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गई, वो शिव का हो गया, वो शंकर, वो मेरे बाबा का हो गया। और बाबा का अगर हो गया तो उसको फिर दुनिया सता नहीं सकती, दुनिया उसको कष्ट नहीं दे सकती। वो शिव की प्रॉपर्टी। एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। वो शिव की प्रॉपर्टी, वो शंकर की प्रॉपर्टी। चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो शंकर को जल चढ़ाता है, जो शिव को जल चढ़ाता है, जो शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर ही देते हैं। शिव उसको अपना बनाकर ही, शंकर उसको अपना बनाएंगे, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाएंगे, उसको अपना बनाने का प्रयास। और जितने बैठे हो कथा में, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, जितने कथा सुन रहे हो, तैयारी रखना, मेरा बाबा तुम पर भी सिग्नेचर जरूर करेगा, तुम्हारे चेहरे पर भी प्रसन्नता ला कर देगा, तुम्हारे चेहरे पर भी स्माइल ला कर देगा। वो शिव है, शिव वो घड़ी है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सुमन है, मेरा गांव
बेबल, मेरा गांव बेबल, जिला महेंद्रगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुमन है और मेरे गांव बेबल, जिला महेंद्रगढ़ की निवासी हूँ। मेरे बेटे का नाम अंकित है और वो जब 16-17 साल की उम्र से ही एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया। उसको ऐसी बीमारी हो गई थी जिस फोटो को आप देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ना उसका हाथ हिलता था, ना पांव हिलता था, ना शरीर हिलता था, ना उठ पाता था, ना बैठ पाता था। टीवी पर, एलईडी पर आप लोग उस फोटो को देख रहे होंगे, ना वो उठ पाता था, ना बैठ पाता था, ना चल पाता था। 16-17 साल की उम्र से ही उसको एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया था। उस बीमारी से हम इतने परेशान हो गए थे कि हमारी आंखों से आंसू भी दिन रात बहते थे। हमारे घर की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। मेरा बेटा ना तो उठ सकता था, ना बैठ सकता था। आप लोग पत्र के माध्यम से आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे या एलईडी पर पढ़ रहे होंगे। बेटा ना टूट सकता था, ना बैठ सकता था और ना ही चल सकता था। हमने दिल्ली के, जयपुर के बहुत सारी जगह पर उसको दिखाया, कोई आराम